होशंगाबाद जिले के इटारसी के चादौन गांव के रहने वाले विवेक सागर प्रसाद को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। उसके पिता खेल के खिलाफ थे। विवेक के पिता ने बताया कि इटारसी के छोटे से चादौन गांव से है। विवेक ने अपने खेलों में रुचि लेते हुए दोस्तों के जूते पहनकर लगातार प्रैक्टिस की है। मेरे काफी विरोध के बाद भी विवेक ने उसके खेल के प्रति रुचि ली है, जिसे उसने गांव व जिला ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने सोमवार को 2019 के लिए राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना है। 19 साल के विवेक ने अर्जेंटीना के मैको कैसेला और ऑस्ट्रेलिया के ब्लेक गोवर्स को पीछे छोड़ा। कैसेला दूसरे और गोवर्स तीसरे स्थान पर रहे। वोटिंग में विवेक को कुल 34.5% वोट मिले, जबकि कैसेला को 22% वोट और गोवर्स को 20.9% वोट मिले थे। अब विवेक की नजरें ओलंपिक के मेडल जीतकर एक बार फिर से देश का नाम विदेशों में रोशन करने का सपना है। अवार्ड मिलने के बाद मिडफील्डर विवेक सागर प्रसाद के माता पिता एवं उनके भाई बहन बहुत खुश है। ये अवार्ड अपनी टीम के साथियों को डेडिकेट करूंगा, क्योंकि उनके बिना यह संभव नहीं था। FIH को धन्यवाद कहूंगा, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया और इसके काबिल समझा। हॉकी इंडिया और हॉकी प्रेमियों को भी थैंक्स कहूंगा, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। ये अवार्ड मेरे लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा। मैं अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहूंगा और आने वाले मैचों में और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। ओलंपिक की तैयारियों पर विवेक कहते हैं कि टीम अच्छा कर रही है, लेकिन ओलंपिक में पदक जीतने के लिए और बेहतर करना होगा। हमने कई मैचों में बड़ी टीमों को मात दी है। गजेंद्र राजपूत, MP न्यूज़कास्ट, होशंगाबाद। सही हो रहा है। मेरे भाई ने बहुत मेहनत की है और वो बचपन से ही बहुत मेहनती है। हॉकी प्लेयर, हॉकी के प्रति तो ज्यादा ही खेलने के प्रति है वो, और उसका बहुत ही मन लगता है हॉकी खेलने में। वो अच्छे से खेलता है और उसने बहुत मेहनत की है यहाँ से खेलने में और मेहनत से वो आगे बढ़ा है। मैं यही चाहूँगी कि मेरा भाई अच्छे से खेले हॉकी और उसका जो सपना है, वो जो चाहता है, वो उस सपने को हासिल करे। ओलंपिक में खेलना चाहता है, गोल्ड मेडल लाना चाहता है और देश का नाम रोशन करना चाहता है। तो मैं यही चाहूँगी कि वो अपने देश का नाम रोशन करे। मैं विवेक सागर, नेशनल हॉकी प्लेयर, इटारसी शहर के अंदर छोटे से गांव श्रीनगर चांदन से। मैंने हॉकी की शुरुआत 2010 से की। मैं उन सभी सीनियर प्लेयर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनको देखकर मैंने हॉकी की शुरुआत की और छोटे छोटे गुण सीखे। मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और मैं मानता हूँ आज की एज अ प्लेयर वो चीज़ नॉर्मल है। फैमिली सपोर्ट कभी कम मिला उस टाइम। मेरे घर वाले मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, खास तौर पर पापा जी। एज अ टीचर बट मुझे हॉकी से लगाव था। हॉकी में आगे जाने का मैंने ठान ली थी और अगर मैं यही करना चाहता हूँ, अगर आप सबसे मन से मेहनत करते हैं और अगर आप ठान लेते हैं कि मुझे किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, टॉप पर जाना है, तो आपको कोई नहीं।